हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो सुबह का मौसम मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखिए, चारों तरफ धुंध ही धुंध पड़ी रहती है सुबह जब भी उठते हैं। मतलब अगर आप 6 साढ़े 6 बजे भी उठोगे तब भी ऐसा ही मौसम आपको दिखाई देगा। और इसके बाद धूप जब लग जाती है तो अच्छी खासी धूप है, जैसा कि भी आप देख ही रहे हो, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और संडे का दिन है इसलिए डीप क्लीनिंग हमारी मतलब चली हुई है, तो अंदर किचन का मैंने सारा जो भी नीचे वाले कैबिनेट्स थे तो उनको साफ़ करने के लिए मतलब जो भी सामान था अंदर वो सब निकाल दिया। यहाँ पे ये आटा लेके आए हुए थे तो उसको भी पहले थोड़ी धूप में सुखा लेते हैं, और जो इसका बर्तन था फिर इसको भी मैं क्लीन करके लेके आ गई और इसे भी डाल दिया ताकि ये भी मतलब सूख जाए यहाँ पर ही। फिर इसमें ये आटा बंद कर दूँगी और फिर जो भी मतलब सारे का सारा आज यही काम चला हुआ है पूरा। और रियली बात बताऊँ तो थोड़ा थकावट जैसी महसूस हो रही थी मुझे। एक तो 2-4 दिनों से थोड़ा तबीयत भी ऐसी चली हुई है वो हैवी सामान उठाने की वजह से, तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। और अभी ये देखिए, ये लोग लेके आए हैं लौकी, खीरा। अच्छा, रेडी जैसे अपने ब्लॉग के लिए मटेरियल लेके आए हैं। मतलब गर्मियों में इतनी मेहनत की थी कि आज मतलब हटे तो मिठू दिखाने दो। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी सैंपल के तौर पर मैंने इनको सींचा था। अच्छा, है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो मैं तैयार हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं मेरे माइक के। एक्चुअली ना आजकल जो धान वाला काम नहीं होता, तो धान पक गए हैं वो काम चला हुआ है, धान की कटाई वगैरह सब कुछ। हम लोग ना मशीनें नहीं होती उसके लिए, सीधे ऐसे मतलब हाथों के हेल्प से ही उसको धान भी निकालते हैं, झापड़ा बोलते हैं हम लोग। और शायद गाँव में इसी तरह से होता होगा और भी कहीं। और हाँ, फिर तैयार हुई थी। आज संडे है तो संडे का दिन मतलब इतना बिजी होता है ना कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा दिन सुबह से लगे हुए थे साफ सफाई में, और अब जा करके फ्री होकर के फिर नहा धो करके। शान मिठू कहाँ हो, जल्दी आओ। और दिखा रही थी मैं आपको कि अभी दिखाती हूँ ये ना बेटा, मैंने मना किया था ना, ये लोग क्या करते हैं ना कि मोबाइल चार्जिंग पे लगाया होता है ना, वहां से निकाल के लेके करके भाग जाते हैं और हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। और ये भाग के वहाँ देख रहे होते हैं, जब उसको बोल जल्दी अगर जाना है तो बोला तू रह जाएगा फिर नहीं तो। और मैंने बोला था ना बेटिया की धूप में अपने बालों को सिखाओ, आपने ऐसा नहीं किया। और हाँ, ये ना इस पे क्योंकि ये लोग बार बार पाँव ऊपर कर करके बैठ रहे थे इसलिए फिर मैंने ये लगा लिया इस पे। लग तो वैसे ऐसे ही अच्छे लगते हैं ये बिना इसके कवर के, पर अब बच्चों का घर है थोड़ा सा देखना पड़ता है इसलिए मैंने मतलब नीचे वाले में बिछा दिया और ऊपर वाली साइड को नहीं बिछाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मतलब ना साफ सफाई का अभियान चला हुआ था, किचन की सारी चीजें बाहर निकाली हुई थी। और ये रहा जी देखो, आटा, आटे का भंडार बोरा लेके आए हुए थे आटे का ना, तो ये भी मैंने बाहर निकाल दिया। अभी एक धूप लगा देती हूँ उसके बाद फिर रखूंगी अंदर। और बाकी चीजें भी देखो ऐसी पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है, मतलब जो जो जहाँ जहाँ था ना फिर रखती गई, भी बाद में फिर समेटूंगी, पहले मैंने साफ सफाई का ही काम हो रहा था। और आज की बात बताऊं तो ना मतलब मैं इतनी बिजी हो रखी थी भी, जल्दी करने के चक्कर में मैंने कहीं भी फिर वो यूज ही नहीं किया, मीन्स शूट नहीं किया। थोड़ा सा लगी हुई थी किचन में करना, फिर मैं थक गई यार, बहुत बुरे हालत हो जाते हैं। अच्छा, तो बस अभी फिर बाद में मिलते हैं आपसे वहाँ। तो अगेन फिर सब कुछ फिर से जल्दी जल्दी में ही हुआ। और यहाँ पे सानू के बाल भी ना चलते चलते ही मैं बना रही हूँ अपना। मेरे को ना रियली बात बताऊँ, जब से ये स्ट्रेटनिंग करवाई है ना बालों में, तो एक इजी जैसा हो गया है कि भाई कुछ भी जैसे किया ना किया, इवन कभी कभी तो कंघी मारने की भी ज़रूरत नहीं होती, सीधे ही बस हाथ से यूं यूं करो और एकदम सीधे होते हैं बाल, तो बस कोई हेयर स्टाइल कुछ नहीं, बस मैंने झट से क्लचर फंसाया और चल पड़े जी। और शानू के फिर ये क्या करती है ना कि बार बार इसके बाल बनाती हूँ तो उसको खोल देती है कि मेरी मम्मा बाल पीछे से खींचते हैं इसलिए मेरे को चोटू पसंद नहीं है, फिर ये अपने बालों को ऐसे ख़राब कर देती है दोबारा दोबारा से। तो फिर यहाँ चलते चलते फिर से मैंने इसके 2 चोटू बनाए। और हम लोग ना घर के ही चप्पल में जा रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने भी शाम को रुकना है, आ जाएंगे वहाँ से। भाई अभी हम चल पड़े हैं और गाड़ी में मैं क्या, शानू मिठू हाय बोलो, शानू के 2 चट्टू जली ले ली इसने यहाँ पे मार्केट में। और ये भैया आप भी बोलो कुछ,
अभी जा रहे हैं हम लोग मेहमान बन करके, मेहमान नहीं बन के जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, काम करने इसलिए जा रहे हैं, धान की लुनाई करने के लिए। आपके हाथ में भी देंगे आज दराटी, बहुत मेहमान नवाज, आप तो करते हो, डैडी के हाथ में भी देंगे आज दराटी। करते हैं हम काम, क्या कर नहीं सकते, डैडी से करवाएंगे धान की लुनाई और फिर जापने जो भी देने, एक मतलब जो डंडा जे डंडा भी देना, कहीं थे साफ दीवार पर एक पत्थर रखी ने। हाँ तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए ड्राइविंग किट में, तो हम कर सकते हैं ना, आप मत करो, आप क्यों कर रहे हो। इसके अलावा चलिए बाहर का व्यू आपको दिखाया जाए, तो ये देखिए जो सामने आपको खाली जैसा स्पेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लोग घास काट रहे हैं और इतना डरावनी वाली जगह है, मींस अगर थोड़ा सा भी यहाँ से पैर फिसल जाए ना, तो मैं बोलूँ सीधा जाकर के खड्ड में गिरेंगे। अभी देखो ना, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि थोड़ा सा भी अगर, और इवन ऐसा भी नहीं है ड्राइवर से भी अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए ना, तो गाड़ी अगर गई ना तो फिर मतलब बचने का कोई भी आसार नहीं है। सबसे डेंजरस वाला रोड है ये, पारछू बोलते हैं इधर जगह का नाम, तो मुझे तो बहुत डर लगता है यहाँ से सीरियसली नीचे की तरफ को देखने में। किसी दिन क्या करूँगी ना मैं कि गाड़ी से उतर के आपको अच्छे से यहाँ का व्यू दिखाऊँगी, एक एक चीज़ भी। ऐसे रोड है, इसकी मतलब नीचे को खड्ड है और ऊपर को फिर देखो कितनी पहाड़ी जैसे पर ये एकदम है, तो ऐसा ऐसा है। और कई जगहें हैं हिमाचल में ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी लगती हैं, जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी ड्राइवर से चूक हो जाए तो कुछ भी हादसा हो सकता है। और बाकी हाईवे है ये, और थोड़ा व्यू अगर आसपास का भी, ये देखिए अब यहाँ को पूरा आपको जंगल जैसा एरिया दिखाई देगा, चिल्लों के पेड़ हैं जो कि एकदम फ्रेश वाली ऑक्सीजन देते हैं, और मतलब कितनी भी गर्मी हो बाहर तो ठंडक का एहसास मिलता है यहाँ पे, तो इस तरह का है जी व्यू। तो अभी हम पहुंच गए हैं इधर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरा माइक का, लगभग 15-16 किलोमीटर इस तरह होगा, वो भी फिर हम शॉर्टकट से आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। तो बस 12 की बजे के आसपास हम आ गए थे। लाइट नहीं, लाइट आज तू कट्टा, तू से कब जराबा पूरा पैक होने जाए डोरी हो आसे आसे दे देखा अगर चपला ने आई गिरे तीसरे कट्ठे भी डोरी है, काम काज से सारा तो आज हेल्प कराए डैडी, तो आज बिल्कुल मतलब फुल रेडी होने रे, जूते पहने लोने से बांध अच्छा बाई बांधे बांधे सौगी सौगी अच्छा अपने का काम मतलब गार गार लगना कि ले जी यूट्यूबर ना मुंह लग रही है पानी दे दी गिलास दे नहीं हो भाई तो इस तरह से पहुंच करके बस अभी नया क्या क्या हो रहा है वो सब देखने निकल पड़े। तो यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है बाथरूम का काम, मतलब ओहो तू सदाई थी काम नोड़ी रहा, उसी में कुछ चेंजेस करवा रहे हैं। ये डबल किचन था ऐसे खीरे खाना आप, ऐसे छोटे छोटे ऐसे, ये हमारे के लिए, हम किसी को देंगे खीरे खाने के लिए, किसी को देंगे। और देख 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 तेरे मिठू तेरे वहाँ कैसे वो डालने लगे हैं, बड़े बड़े हैं हमारे इधर लंबे लंबे, देख देसी डालू देखो छोटे, खीरे का पेड़ लगा हुआ था उसमें लगे हैं खीरे, सानू को भी देना भाई एक अच्छा सा, ये मेरी सानू के लिए है, नहीं यहाँ खा लो घर के लिए, ये सब कुछ घर के लिए, घर के लिए
राजू जी ये सब कुछ घर के लिए घर के लिए रख रहा है। देखो यहाँ आने वाला यहाँ बचत कर रहा है। ये तेरी मम्मा के लिए है ना, ठीक है ना। अमरूद लाइट नहीं है ना इधर, अंदर ताई लग रही है। हमने बार का है, बार का गलाई बोली लेन सर ने ये क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, कितनी देर हो गई इनको खाते हुए, गंदी बात है। मैं ऐसे बचपन में कभी नहीं खाती थी, हमेशा पढ़ाई करती थी और कुछ भी नहीं करती थी। मेरा क्या ना मानती थी, खाना तो खाती थी तुम्हारी तरह, अच्छी थी, हम दूध पीती थी, खाना खाती थी। कितना पीती नहीं, झूठ बोलती है ये, बस दूध नहीं पीती। तूने तो बैठे जो नानी के साथ दूध पिया करो दोनों। शानू कितना दूध पीती है पता है, मैं कितने दूध पीती थी मम्मी बताओ इसको, कि कितना दूध पीती। इतना बड़ा गिलास था उसमें भर के गिलास पी लेती थी, और मम्मी खुद भैंस पालती थी, भैंस का दूध होता था वो, और इतना घी खाती थी, दूध खाती थी, दही खाती थी, और पढ़ाई बहुत पढ़ाई। तब मैं इतनी बड़ी हुई, और शानवी तो बड़ी हो नहीं पाएगी क्योंकि ये दूध पीती नहीं। इतने बड़े इसके लंबे बाल कहाँ हो गई, अभी तो इतनी से भी नहीं हुई है, और पतली भी हुई है, और कितनी पतली है तू, तू तू तो है ही है पतली, अभी ये भी पतला होने लग गया। नानी लंबी लंबी होती जाएगी और पतली होती जाएगी। तो ये दूध नहीं पीती और खूब खाना नहीं खाती, खूब फ्रूट नहीं खाती। और ये जो तुमने पैकेट ले रखा है ना, लास्ट पैकेट है, इसके बाद लिया तो क्या होगा, गले में दर्द, खांसी, जुकाम, दांत धोने जा रहे हैं अभी। हाँ हाँ, दांत काटेंगे और ये ढोएंगे दोनों। ढोलोगे? हाँ बोला है मीठू ने तो। हम तो आएंगे, क्या लगाएंगे, आजकल पक गए हैं दांत और उनको काटना है और ढोना है, ढोना है उनको, खेत से लेके आना है ऊपर यहाँ तक, बहुत दूर है खेत, देख दिखाती हूँ मैं, खेत से और घर तक लाएंगे बेटा। ये मासी यही तो बिगाड़ती है बच्चों को, बच्ची चीजें आजकल मना नहीं है, मना करो कि बच्ची चीजें नहीं खानी, फ्रूट खाओ, अमरूद फ्रूट पिलाई होंगे तुम्हारे, देखो अमरूद खाओ, आजकल देसी देखो पेड़ों पे कितने अमरूद लगे हुए हैं, मम्मा ने लेके आए जो उसको खाओ। ये देखो तुम दोनों के लिए, हाँ ये खाने चाहिए ना आजकल, सानू ये खाने चाहिए आगे आजकल, मम्मा को चेक करा के खाने हैं ना। अपनी बारी को खत्म हो गया, ऐसा बोल देते हो तुम दोनों, है ना, और तू इनको कुछ नहीं देना, ये तेरे को कुछ नहीं देते, तेरे से सब कुछ ले लेते हैं। कि देखो भाई मिठू पक्के अमरूदों में कीड़े भी होते हैं, तो ये घर चेक करा कर घर के लिए रख दो। इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की पेंडिंग कर रही हूँ, और बाकी धान की कटाई वगैरह हर एक चीज़ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो